हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह रोक लगाने के बाद भी पुलिस हर्ष फायरिंग पर रोक लगाने में नाकाम नजर आ रही है। यही वजह है कि हर्ष फायरिंग की वजह से आए दिन घटनाएं हो रही हैं। ताज़ा मामला बुंदेलखंड के महोबा जिले का है, जहां कुआं पूजन के दौरान हो रही हर्ष फायरिंग में 14 वर्षीय बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों द्वारा आनंद फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया है। मामला कबरई थाना क्षेत्र के रिबई गांव का है, जहां वीरेंद्र कुशवाहा हुए पुत्र का कुआं पूजन चल रहा था। महिलाओं व बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। महिलाओं द्वारा शगुन के गीत गाए जा रहे थे, तभी कुछ लोग हर्ष फायरिंग करने लगे। इसी दौरान विनोद अनुरागी अवैध तमंचे से फायरिंग करने लगा। तमंचे से निकली गोली पास में खड़ी चिन्ना की 14 वर्षीय पुत्री रोशनी को जा लगी। चीख पुकार के बाद सुन भगदड़ मच गई। गंभीर रूप से घायल बालिका को परिजनों द्वारा आनंद फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक होने पर प्राथमिक उपचार कर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया है। ग्रामीण मनोज सिंह ने बताया कि गांव के कुआं पूजन का कार्यक्रम चल रहा था, तभी हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई है। जिला अस्पताल के डॉक्टर विष्णु गुप्ता ने बताया कि हर्ष फायरिंग का मामला है। रिबई गांव से लड़की जिला अस्पताल लाई गई थी। कुआं पूजन के दौरान हो रही फायरिंग में 14 वर्षीय बालिका घायल हो गई थी। सिर में गंभीर घाव होने से मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया है। घटना रिबई में घटना हुई और कोई फंक्शन था कुएं का पूजन का, उसमें गई लड़की तो घाल रहे थे इसलिए लग गई जी। घाल रहे थे लग गई इसलिए। क्या हर्ष फायरिंग कर रहे थे? हाँ। जी हर्ष फायरिंग। कितने लोग घायल हुए? एक ही। ये हर्ष फायरिंग का मामला है। रिबई से एक लड़की आई हुई है जिसको चोट लगी है और बता रहे हैं कि कोई कार्यक्रम चल रहा था, उसी में गोली चलाई है, उसको चोट लगी। इसको क्या रेफर किया जा रहा है? हाँ, क्योंकि अंदर कितना गहरा घाव है ये जानकारी नहीं हो पा रही है और छर्रा ऊपर भी इस समय नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए उसको रेफर किया जा रहा है। चूँकि दिमाग के हिस्से में है पीछे की तरफ, तो चोट गहरी भी हो सकती है।